नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीपीआरओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभी वार्ड सदस्यों को सभी योजना में भागीदारी देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खबर लालगंज से है, जहां लालगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में वार्ड सदस्य संघ के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। लालगंज में नव निर्वाचित वार्ड सदस्यों को निर्वाचित हुए 9 माह के बाद भी सभी वार्ड सदस्यों को प्रभार एवं नल जल साइडों का हैंडओवर नहीं कराए जाने को लेकर वार्ड सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाया कि लालगंज प्रखंड के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा सरकार के साथ निश्चय 2 के महत्वाकांक्षी योजना नल जल को फेल कराने का साजिश रचा जा रहा है एवं ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए खबर नहीं दिया जाता है। इन सभी मुद्दों को लेकर वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष शकुंतला देवी सहित अन्य वार्ड सदस्य एवं उप मुखिया के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि लालगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी पुलक कुमार के द्वारा वार्ड सदस्य संघ की समस्याओं की जल्द निदान करने के आश्वासन के पश्चात धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड सदस्य संघ की अध्यक्ष शकुंतला देवी सहित राकेश कुमार चौधरी एवं वक्ता के रूप में चंचल शुक्ला उप मुखिया जलालपुर ने किए। डिमांड क्या है आज जो है कि हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना वार्ड सदस्यों के हक और अधिकारों के लिए रखी गई थी। सभी पंचायत के योजनाओं में भागीदारी मिले उसके लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया था आज। और हम लोगों ने लालगंज प्रखंड के सभी वार्ड सदस्यों का निर्णय था कि हम लोगों को अधिकारों का हनन हो रहा है, प्रखंड के अधिकारियों द्वारा हम लोगों को बलगलाया जा रहा है, प्रखंड के अधिकारी हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है और प्रखंड के अधिकारियों द्वारा भी हम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। शोषण अत्याचार करने के बावजूद भी ये लोग हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है। इसी सब लेके आज हम लोगों को 9 सूत्री मांग को लेके धरना प्रदर्शन पे बैठने पे मजबूर किया गया है। और आज हम लोग जब अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे थे तो लालगंज प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आए और अपनी बातों को रखते हुए हम लोगों को आश्वासन दिए कि आप लोगों की जो भी 9 सूत्री मांग है मैं 1 महीना के अंदर में पूरा करूंगा। अगर 1 महीना के अंदर में अगर पूरा मैं नहीं करता हूं तो मैं आपका दोषी साबित होऊंगा और आगे से आप लोग स्वतंत्र रहेंगे, फिर से आप लोग जो है कि अनिश्चितकालीन या जो है कि भूख हड़ताल पर बैठने को जो है कि आप तैयार रहें। ऐसे बात करके जो है कि उन्होंने आज धरना स्थल को स्थगित करवाया है और धरना को तोड़वाए हैं। इसी सब को लेके जो है कि आज हम लोग जो है कि 29 जुलाई 2022 को धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन लालगंज BDO साहब द्वारा आज हम लोगों को धरना स्थगित करवा दिए हैं और सभी मांग डिमांड को पूरा करने का जो है कि आश्वासन दिया है कि 1 महीना में आप लोगों का सभी मांग डिमांड पूरा करेंगे। अगर हमारे द्वारा मांग डिमांड आप लोगों की पूरा नहीं की जाती है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, फिर से धरना पे बैठ सकते हैं, फिर से अनशन पे बैठ सकते हैं, फिर से आप लोग अनिश्चितकालीन